नाउ वी विल सी वट दिस हायर एरकी ऑफ़ ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ बिकॉज वी हैव टॉक विद यू के रिलेशनशिप्स जो हैं वो करीब से दूर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपका कंसर्न आपकी हमदर्दी आपका लगाव उतना उतना कम होता जाएगा तो अब ये रिलेशनशिप कहाँ और कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं कि इनको अगर हम रिलेशनशिप वन या जो सबसे हमारा करीबी दायर है दैट इज़ फर्स्ट किन क्लोज रिलेटिव आपका रिश्तेदारीबी करीबी रिश्तेदार देन कम्स बेस्ट फ्रेंड्स और इंटीमेट्स जो आपके दोस्त हैं जो आपके करीब हैं जिनके साथ आपका बहुत लंबा चौड़ा सात है फिर आर्ट थ्री में स्ट्रेंजर्स हुर वेरी वीक एग्जाम्पल अ ब्लाइंड वेरी यंग और स्मॉल चाइल्ड ऑफ सिक्स ईयर्स ओल्ड और हु आर ए लीड ऑफ द सोसाइटी एग्जाम्पल अ फेमस साइंटिस्ट हु अब हमने इसकी एक बड़ी लंबी कैटेगरी आपको बता दी कि वो स्ट्रेंजर्स अजनबी तो हैं लेकिन कोई छोटा सा मासूम सा बच्चा है कोई माजूर है या कोई ऐसा शख्स है जो बड़ा मशहूर है ज़ाहिर है उस, उसके बारे में भी आपके दिल के अंदर वो कुछ जज्बात कुछ एसोसिएशन्स जो हैं वो बन जाती हैं और इस तरह आप यानी कुछ अज कुछ हद तक वो अजनबीयत इसलिए ख़त्म हो जाती है कि एक तो आपको एक बज़ाहिर थ्रेट नहीं होती कि ये बंदा मुझे नहीं नुकसान पहुँचा सकता बल्कि उसको आपकी मदद की ज़रूरत है वो बहुत मासूम बच्चा है छोटा बच्चा है या वो वीक है या कमज़ोर है या आप देखते हैं कि उसको आपकी मदद की ज़रूरत है ज़ख्मी पड़ा है या बीमार है तो ऐसी सूरत में आप किस तरह से उसकी तरफ तोजो देते हैं देन कॉमन स्ट्रेंजर्स अब कुछ ऐसे उसके बाद यानी ये वो लोग हैं जो खास अहमियत रखते हैं स्ट्रेंजर्स में और कुछ आम स्ट्रेंजर्स हैं जिनके साथ कभी आपका तल्लुक वास्ता नहीं पड़ा तो उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप होगा हम पास से आराम से गुजर जाते हैं या कुछ लोग बैठे होते हैं हम उनसे बात नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि वो स्ट्रेंजर्स हैं तो ऐज सच कोई वो मोहब्बत का और मदद का जज्बा भी नहीं उभरता और आखिर में सम वन यू डिसलाइक और एनिमीज ये अब आखिरी स्टैंड पे वो रिश्ता है कि जहाँ दुश्मनी का रिश्ता है जहाँ नापसंदीदगी का रिश्ता है कुछ लोग आ, ऐसे भी तो होते हैं आ, जो जैसे मैंने अर्ज़ किया अगर उनकी तबियत ठीक नहीं हुई और वो आपको मुसलसल नुकसान पहुँचा रहे थे या आपके रास्ते की रुकावट बन रहे थे तो हो सकता है कि आप उनको डिसलाइक करें सो so, अब ओरिएंटेशन जो है उनकी तरफ आपका मदद का रवैया क्या है जैसे मैंने अर्ज किया था जो पहले नंबर पे लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे हम अगली स्टेज पे जाते जाएंगे तो वो कम होता जाएगा जैसे हमने अर्ज किया कि अगर आपकी माँ को कोई तकलीफ पहुँचती है तो आप फौरन भागे आएंगे सर सर रात जा के उनके साथ बैठेंगे आप उनकी मदद करेंगे आप हर तरह से उनकी एक छोटी सी तकलीफ भी आपके लिए बड़ी अहम है लेकिन अगर जो शख्स आपको परेशान करता है उसको कोई परेशानी आती है तो आप बोधर भी नहीं करते आप परवाह भी नहीं करते सो so, हमारा जो ऑल्ट्रोज़्म है जो लोगों की मदद करने का जज्बा है ये हमारे रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है और इस हायरकी पे डिपेंड करता है सो so, अब ये क्या है कि को क्लोज रिलेटिव से लेके आपके दुश्मन तक के मुख्तलिफ रेंजेज हैं तो यहाँ एक फार्मूला दिया हुआ है जो थेरिस्ट हमें दे रहे हैं कि अगर आर आई जो आपका आप समझें कि आपका आप ख़ुद हैं और दूसरा आर जे जो है वो वो शख्स है जिससे आपने ऑल्ट्रोज्म uh, करना है या उसके साथ भलाई का कोई जज्बा कितना आपके अंदर निकलता है सो आर आई इज़ ग्रेटर देन आर जे फॉर वन एंड देट कुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू आई विच इज़ स्मॉलर देन जे विच इज़ स्मॉलर देन एंड एंड आई इज़ नॉट इज इक्वल टू जे अब यानी जो पहला रिश्ता है वो आखिरी रिश्ते के बराबर नहीं पहला रिश्ता जो है उसके ऑल्ट्रिज्म दूसरे रिश्ते से ज़्यादा होंगे दूसरा रिश्ता जो दूसरा आपका अगले साथी जो है उससे अगले स्टेज का है उससे थोड़ा और कम हो जाएगा उससे अगला जो आएगा उससे और कम हो जाएगा और आखिर में जो आपका दुश्मन है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसको कोई नुकसान पहुँचता है अगर आप कोई इंसानियत के बहुत बड़े लेवल पे हैं तो हो सकता है आप उसके बारे में भी सोचें लेकिन इन अशास के मुकाबले में यकीनी तौर पर वो कम होगा और उसके बराबर नहीं होगा तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये भलाई का जज्बा कब किस वक्त पैदा करना है इसकी तरबियत किस तरह से करनी है ये हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना है और इसके साथ साथ हमें जो अजनबी हैं उनको भी ग्रुप का साथी बनाना है उनको इंटीमेसी में लाना है और इसी तरह अगर हम कोई दुश्मनी की कैटेगरी में भी कुछ लोग आते हैं तो उनको हमें वापस दोस्ती की तरफ लाना है ताकि जो हमारा ऑल्ट्रिज्म का जो बिहेवियर है वो हर किसी के लिए मौजूद हो